तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है शाहरुख खान साहब के वालिद साहब की कब्र, उनके पापा की कब्र। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है शाहरुख खान की अम्मी की कब्र, जो कि शाहरुख खान साहब की बिल्कुल पापा की जस्ट बराबर में है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने, ये है दिल्ली गेट कब्रिस्तान, इसी कब्रिस्तान में शाहरुख खान साहब के पापा की और अम्मी की कब्र है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहसिन अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लोकेशन क्लिप। दोस्तों आज मैं जो लेकर आया हूँ वो आपको लेकर आया हूँ दिल्ली गेट कब्रिस्तान। दिल्ली गेट कब्रिस्तान थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, दिल्ली गेट कब्रिस्तान में क्यों लेकर आया हूँ। दोस्तों शाहरुख खान साहब जो फिल्मी इंडस्ट्रीज़ के बेताज बादशाह बाजीगर के नाम से मशहूर हैं, किंग खान के नाम से भी मशहूर हैं, उनके अम्मी और पापा की कब्र इसी कब्रिस्तान में मौजूद है। दोस्तों ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने पता किया दिल्ली में सबसे बड़ा कब्रिस्तान यही है, और इसकी लेंथ लगभग लंबाई चौड़ाई मैंने पूछी तो मुझे पता चला कि ये 1200 बीघे में बना हुआ है। तो दोस्तों वीडियो में देरी ना करते हुए आपको लेकर चलते हैं शाहरुख खान साहब की वालिदा और वालिद की कब्र पे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, शाहरुख खान साहब के जो वालिद साहब थे, पापा जो थे, वो पेशावर के रहने वाले थे, और उनकी वाइफ यानी शाहरुख खान साहब की अम्मी जो थी वो रावलपिंडी पाकिस्तान की रहने वाली थी। दोनों ही मतलब बाहर से आए थे, जो इंडिया में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तभी आए हुए थे वो। तो दोस्तों उनकी दोनों की कब्र यहीं मौजूद है इसी कब्रिस्तान में। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, शाहरुख खान साहब भी यहाँ आते हैं, लेकिन एक अरसा होता है थोड़ा ये लगता है कि उन्हें जो रात में और थोड़ा अंधेरे उजाले में आते हैं, क्योंकि यहाँ जो उनके जो फैंस हैं, फैंस फॉलोइंग है, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा गेट पे मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा बच के हट के आना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ के लोगों से मैंने पता किया कि यहाँ पे शाहरुख खान साहब आते हैं, और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है दोस्तों, देख सकते हैं आप इसका नज़ारा। और यहाँ हर कब्र पर एक बोर्ड लगा है, जो कि ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, बी ब्लॉक, ऐसे करके मतलब एक मतलब इसका वो है सीरियल नंबर, जैसे मकानों के नंबर होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में देरी ना करते हुए चलते हैं शाहरुख खान साहब के वालिद और वालिदा की कब्र पे लेके। तो चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली गेट कब्रिस्तान। दिल्ली गेट कब्रिस्तान जो कि अभी आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ का नज़ारा, ये लगभग दिल्ली जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है लगभग वहाँ से 5 किलोमीटर लगभग पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ कब्रिस्तान में आने के बाद में थोड़ी मेरी भी एनर्जी डाउन हो गई है, बट इतना मैं कहना चाहता हूँ कि ये कब्रिस्तान जो है ये काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है, दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान यही है। अभी मैंने एक यहाँ जो मुलाजिम जो रहते हैं यहाँ कब्रिस्तान में, तो वो भी बता रहे थे कि यहाँ, अभी मैंने उनसे पूछा था तो वो बता रहे थे कि ये लगभग 1200 बीघे में कब्रिस्तान है। चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ जितनी भी कब्रें हैं तो वो ब्लॉक बाई ब्लॉक हैं, यानी कि यहाँ सीरियल बाई सीरियल नंबर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, ज़्यादातर यहाँ पक्की कब्रें हैं। बाकी मीर ताज मोहम्मद साहब, शाहरुख खान साहब के वालिद साहब की कब्र मैं आपको दिखाने ले चलता हूँ। यही रास्ता शाहरुख खान साहब के पापा की कब्र पे गया है, और एक ये रास्ता जो गया है ये दिखाइए, ये मेन गेट पर गया है, जो इसका मेन गेट है, और ये चारों तरफ को ये बिल्कुल एक चौराया है बीच में। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको मीर ताज मोहम्मद साहब की कब्र पर। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा दोस्तों, बहुत ही मतलब अलग नज़ारा है। बाकी दोस्तों आप जानते हैं ये कब्रिस्तान का क्या नज़ारा होता है, यही सब कब्रें हैं। और बाकी यहाँ इतनी मतलब इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि सबसे बड़ा दिल्ली का कब्रिस्तान यही है दोस्तों। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सिर्फ आपको कि यहाँ रोज़मर्रा मतलब लगभग 3-4 मौतें हो जाती हैं, जिसकी कब्रें भी खुद ही रहती हैं, मतलब खुदती रहती हैं। इस टाइम पे मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी मेरे साथ आइए आप, कैमरामैन शजाबुल अली ज़रा साथ में थोड़ा तेज़ आइए, मैं दिखाना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को कि यहाँ अभी एक कब्र खुद रही है दोस्तों। मतलब यहाँ दिन भर में 4-5 लगभग जो जनाजे हैं ना वो आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं अभी दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर अभी भी एक कब्र खुद रही है, तो वो कब्र यही है। और बाकी आप देख सकते हैं ज़रा इधर करके दिखाइए, ये सब ब्लॉक बाई ब्लॉक होते हैं, इधर ये कब्रें दिखाइए। और दोस्तों ये इतना बड़ा कब्रिस्तान है, शायद खैर मैं तो पहली बार आया हूँ इतने बड़े कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान तो मैंने बहुत मतलब बड़े बड़े कब्रिस्तानों में गया हूँ, लेकिन ये पहला कब्रिस्तान इतना बड़ा देखा है मैंने दिल्ली का।
सबसे बड़ा कब्रिस्तान है दोस्तों, ये दिल्ली गेट के नाम से मशहूर है। ये रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि एक कब्र अभी भी खुद रही है, देखिए ये अभी कब्र खुद रही है, ताज़ी खुद रही है। अभी शायद इसके अंदर भी थे वो, अभी मैंने देखा था उन्हें तो अभी नहीं है, अभी ये अभी खो दी है। तो दोस्तों यहाँ 4-5 मौतें लगभग रोज़ हो जाती हैं। बाकी जिस मकसद से मैं आपको लेकर आया हूँ तो दोस्तों उस मकसद से मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मीर ताज मोहम्मद साहब, शाहरुख खान साहब के वालिद साहब, पापा की कब्र आप देख सकते हैं। देखिए उधर है, दिखाइए ज़रा कैमरामैन शहजाबुल अली, वो मीर साहब ताज मोहम्मद साहब की कब्र है और उन्हीं की बराबर में उनकी बेगम साहिबा की, उनकी बीबी की कब्र जो शाहरुख खान की माँ लतीफ़ फ़ातिमा हुआ करती थी, तो उनकी कब्र भी वही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इस टाइम हम पहुँच चुके हैं शाहरुख खान साहब के पापा की, वालिद साहब की कब्र पे। आप देख सकते हैं इधर उनका कब्र का जो बोर्ड लगा हुआ है, वो नाम भी लिखा हुआ है मीर ताज मोहम्मद साहब। ये रहने वाले जो थे वो पेशावर के रहने वाले थे दोस्तों। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस पर भी लिखी हुई है, बाकी मैं आपको ही बताना चाहता हूँ 1927 में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनके साथ में इनकी वालदा का भी, यानी शाहरुख खान साहब की वालदा का और मीर ताज मोहम्मद साहब की बेगम साहब का भी कब्र है यहाँ पर। दिखाइए इधर बेगम साहब की जो कब्र है इधर, तो वो लतीफ़ फ़ातिमा जो शाहरुख खान साहब की वालिदा हुआ करती थी, तो उनकी कब्र है दोस्तों। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1941 में ये पैदा हुई थी, 1 जुलाई 1941 में। और इनका देहांत जो हुआ था, इनकी जो मृत्यु हुई थी मतलब शाहरुख खान साहब की अम्मी की, तो वो लगभग 15 अप्रैल 1991 में। और मीर ताज मोहम्मद साहब की जो मतलब डेट ऑफ बर्थ है, तो वो 1927 पेशावर के रहने वाले थे ये, और इनकी 19 सितंबर 1980 में इनका देहांत हो गया था दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ ये जो मीर ताज मोहम्मद साहब थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों उस टाइम इनकी उम्र लगभग 15 से 17 के बीच में रही होगी। तो दोस्तों ये भारत के सबसे पहले, सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, और शाहरुख खान साहब को तो दुनिया ही जानती है, शाहरुख खान साहब किसी की पहचान के मोहताज नहीं है दोस्तों। उनके वालिद साहब यहाँ पे इस टाइम आराम फरमा रहे हैं, उनकी जो मतलब वालदा साहब हैं तो उनकी भी मतलब इस टाइम यहाँ पे कब्र आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ जब मैं आया था तो मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी, काफ़ी बूस्ट मतलब था मैं, और थोड़ा मतलब जैसे हम लोग व्लॉग बनाते हैं तो उसी हिसाब से हम आए थे व्लॉग बनाने के लिए। लेकिन जब कब्रिस्तान में मैं घुसा तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जब मैं आपको क्या बताऊँ, इस टाइम मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। तो दोस्तों जब मैं कब्रिस्तान के अंदर जब घुसा तो मेरा थोड़ा यार यहाँ का ना सिस्टम बिल्कुल अलग ही हो गया। तो गाइज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये लास्ट हमारी जो सब लोगों की, जितने भी इस दुनिया में आए हैं सब लोगों की लास्ट स्टेज यही है जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे। तो दोस्तों आपने देखा अभी मीर ताज मोहम्मद साहब की कब्र पे से हम लोग आ रहे हैं, लगभग उनकी कब्र से हम 100 मीटर की दूरी पे लगभग खड़े होंगे। देख सकते हैं आप इधर ये रोड गया है, ये चारों तरफ रोड हुआ करते हैं यहाँ कब्रिस्तान में, चारों ही तरफ रोड हैं लगभग दोस्तों। यहाँ हम काफ़ी देर से घूम रहे थे, 2 घंटे लगभग हम घूमे, काफ़ी दिक्कतों मशक्क़तों के बाद में हमें ये कब्र मतलब मिली शाहरुख खान साहब के फादर साहब की। तो यहाँ लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है, तो यहाँ काफ़ी जगह हमने पूछा, जिसमें हमारे सहयोगी कैमरामैन शहजाबुल अली भी हमारे साथ थे और उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया दोस्तों। मीर ताज मोहम्मद साहब जो शाहरुख खान के वालिद साहब थे, तो वो दोस्तों आपको पता ही है पेशावर के रहने वाले थे। पेशावर के तो और भी सितारे रहने वाले थे, जैसे कि सुनील दत्त साहब, दिलीप कुमार साहब। पेशावर की गलियों का अंदाज ही कुछ अलग है दोस्तों, कि जो मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ है वो मुंबई खींची लेती है उन्हें। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके मीर ताज मोहम्मद साहब के जो बेटे हैं शाहरुख खान साहब, जो आज फिल्म इंडस्ट्रीज़ के किंग खान हैं, जिन्हें आप जानते ही हैं, उनका परिचय देना क्या कोई इतना बड़ा वो नहीं है। और बाकी उनकी एक सिस्टर हैं शहनाज खान, जिन्हें प्यार से उनके वालिद साहब लाला रुख खान भी कहते थे। तो दोस्तों हमारा मोटिव जो रहता है ना, तो वो रहता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना। और दोस्तों अगर हमारी दी हुई जानकारी और इस जगह को जो हमने आपको आज दिखाया है, और यहाँ लाकर शाहरुख खान साहब के वालिद साहब की, ताज मीर ताज मोहम्मद साहब की जो कब्र दिखाई है, तो कमेंट करके आप बताइए कि पहले आपको मालूम था कि दिल्ली गेट कब्रिस्तान में शाहरुख खान साहब के पिताजी यहाँ पर मतलब दफनाए गए थे, या उनका ध्यान जब हुआ था उनकी कब्र यहाँ थी।
तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बॉक्स भर दीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।